हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सावन का पहला सोमवार है और जो फ्रेंड्स हमारे फास्ट रखते हैं उनके लिए मैं एक साबुदाने से बनी बहुत ही अच्छी व्रत रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप बादाम ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो काजू, किशमिश, अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इसको थोड़ी देर फ्राई करूंगी। अब मैं साबुदाना ऐड कर दूंगी। साबुदाना को मैंने 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था और फिर थोड़ी देर सॉटे करूंगी। अब मैं 1 कटोरा मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। और इस रेसिपी में साबुदाना बिल्कुल खिला खिला होना चाहिए, तो साबुदाने को ज्यादा पानी में सोक न करें। तकरीबन साबुदाने से पानी का लेवल 1/4 इंच ऊपर होना चाहिए। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैं 2 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे ये अमेजन पर इजीली अवेलेबल है। और मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड करूंगी और मिक्स करके थोड़ी देर सॉटे करूंगी। मैंने यहाँ पर चीनी यूज नहीं किया है क्योंकि ये मिल्क पाउडर से भी मीठा हो जाता है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दें। मैं 250 ग्राम साबुदाना के हिसाब से रेसिपी बता रही हूँ और ये साबुदाना तैयार हो गया। मैंने इस साबुदाने को पिस्ता पाउडर से गार्निश किया है। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं।